ये देखो भाई साहब, फुल टू आज की हो रही है ना, ये देखो। What's up, BARBROS? A very good morning to you all. हाँ यार, अभी सुबह के 7 बज रखे हैं और ये मेरा सेकेंड व्लॉग होने वाला है एंड इट्स ऑल अबाउट डेविल सर्किट। आँख भी नहीं खुल रही है, आप देख सकते हैं मेरी धूप के मारे। आपने सुना होगा डेविल सर्किट, इसको मारुति सुजुकी स्पॉन्सर करता है और वही कराता है इसको इवेंट को। नोएडा में हो रहा है इवेंट। सो आपको बता दूँ थोड़ा बहुत डेविल सर्किट के बारे में। ये एक ऑब्स्टेकल रन है, 5 किलोमीटर का एक ट्रैक बनाया जाता है और उससे 15 ऑब्स्टेकल बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके के। सो मेरे पूरे जिम की एक टीम जा रही है, बैटलफील्ड टीम। हम बाय रोड ही जाएंगे नोएडा। और थोड़ा आपको इसके फीस के बारे में, एंट्री फीस के बारे में बता दूं। अगर आप अर्ली बर्ड पास, यानी अगर आप महीने भर पहले इसके अंदर रजिस्टर करेंगे तो आपको टिकट आई थिंक पड़ती है 1500 रुपये की, जो कि हमने कराई थी, सबने 1500 में कराई है। लेकिन अगर आप लास्ट वीक में करते हैं ऑन द स्पॉट, तो शायद मेरे ख्याल से प्रोसेस है नहीं इसका, लास्ट वीक में या लास्ट टू लास्ट वीक तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। देन आपको पड़ती है 3500 रुपये की, यानी 2000 एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। और इस प्राइस के अंदर, यानी जो आप पे करेंगे, इसके अंदर आपको मिलेगा एक बैग, फुद्दू सा बैग है छोटा सा, एक डेविल सर्किट की टी शर्ट और एक बिब नंबर। अगर बिब नंबर नहीं होगा आपके पास देन आप ट्रैक पर नहीं आ सकते। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैं कभी भी निकलता हूँ बाहर तो अपने साथ में अपनी मील्स लेके निकलता हूँ। मुझे बाहर से खरीदिए खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और शौक क्या महंगा पड़ता है, साफ सीधी बात। लेकिन यहाँ पर अलाउड नहीं है, आप सिर्फ अपने गियर में जा सकते हैं, यानी आपने जो कपड़े पहने हैं और आपका फ़ोन, दैट्स इट। उसके अलावा आप कुछ नहीं लेके जा सकते अंदर ट्रैक के अंदर। सो इसलिए मैंने फिर भी रख लिए हैं, मैंने 4 पीनट बटर सैंडविचेस रखे हैं क्योंकि रास्ता ही बहुत लंबा है यार नोएडा तक का, 1 घंटा लगेगा कम से कम। भाई ऑल सेट, बिब वगैरह लगा लिए, P204 नंबर है भाई का, ठीक है। ये नॉन देख लेना, ये नॉन पार्टिसिपेंट है, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, हमारे साथ साथ चलेंगे, हमारा सामान ढोएंगे, ठीक है। तो आप भी अगर आपको नेक्स्ट ईयर आओ तो आप मेरे साथ एक बंदा लाएं जो आपका सामान ढो सके, बैग वैग पकड़ सके। और सामने मेरे एंट्रेंस है, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी है इस साल की कि हम सारे के सारे ऑब्स्टेकल 2 बार करें, ठीक है, एक बार से काम नहीं चलेगा। भाई की रात उतरी नहीं है, ठीक है, इस बार 2 ऑब्स्टेकल रहेंगे। ये
ये देखो भाई साहब, फुल टू आज की हो रही है ना। ये देखो, ये मिस्टर अंश अग्रवाल चल के आ रहे हैं। बहुत चौड़ रहा था कि मैं आगे चल रहा है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है, बाप बाप होता है। ये देखिए अब आ रहा है, मैं पहले पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। बच्चा अपना कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है? अच्छा हाँ, रस्सी पे चढ़ना है, रस्सी पे चढ़ना है और ऊपर घंटा बजाना है। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना और घंटा बजा देना। क्या बजा देना? घंटा। ऐसी टूटने वाली है इसकी पार करते हुए, और ये गिरेगा। ये देख रहे हैं आप बारब्रो, बारब्रो एक्सक्लूसिव, लाइव एंड एक्सक्लूसिव प्रॉब्ली। ठीक है, देखिए देखिए इनका फेलियर, देखिए लाइव एकदम आपके सामने। वही इसमें मुझे लाइव जाता हूँ मैं फेसबुक लाइव बिटवीन द लाइन्स की हवा चेक करिए इनकी। आइए आइए आइए।
था हमारे बार ब्रो का सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड शानदार रंगीला अटेम्प्ट। ये देखिए कैसे आए, चलो आगे उड़ाओ, चलो भाई भाई बनने भाई उड़ाओ, चलो चलो चलो, लैंडस्केप 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 है लैंडस्केप, आगे उड़ाओ उड़ाओ, बना नहीं रहे हमें करना पड़ेगा भाई, लैंडस्केप कर ले लैंडस्केप ऐसे भाई, वो फंस गए, तू भी फंस गया। ये हमारे बार ब्रो देखिए हवा ले रहे, हवा हवा देखिए बेचारा का चाटना है, अरे इजी है यार इजी है, मक्खन 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 मक्खन, चलिए चलिए आगे जाते हैं, गाड़ फटेगी इनकी, देखिए देखिए कैसे आवाज आएगी, बूम अंदर से निकलेगा बबल, पानी के अंदर से बबल चेक करेगा, यहाँ तक नहीं आएंगे बबल, यहाँ देखिए इधर बबल आएंगे अभी, ये देखिए सांस, देखिए सांस, इजी इजी बड़े फटे, समुंदर में नहा के और भी कान में पानी जा चुका है और पता नहीं कहाँ कहाँ पानी गया है, कान में पानी जाने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ चल रहा हूँ, घोड़े घुल गए घोड़े यार, मम्मी ने कहा था मत कर, मम्मी की बात मान लेता तो शायद आज फायदे में रहता, लास्ट ऑब्स्टिकल बचा है जो कि सबसे फाड़ू होने वाला है, कौन सा भाई क्या नाम है उसका, ब्रेन फ्रीजर, बर्फ का जुगाड़ मैंने कर लिया, अपने अपने ग्लास पानी अपने अपने ग्लास लेके आ जाओ, स्कॉच पैक सब लाने हैं, बर्फ है हमारा मेरे पास है, बस लेके आ जाओ अपने ग्लास खड़का दो। डन गाइज गोइंग बैक टू होम, ये एग्जिट से निकल के जहाँ से एंटर किया था मैं, क्या से भाई एग्जिट है, घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इन ओवरऑल इट वाज फन, अच्छा इवेंट था, नेक्स्ट ईयर भी आऊँगा मैं और आपको भी यही बोलूँगा कि वर्थ इट है, आप भी आ सकते हैं, वी ऑल आर बारब्रोस एंड वी राइज वेल लिफ्टिंग अवर फेयर्स। हाँ मैं थोड़ा लो साउंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, कुछ खाया भी नहीं है, अब जाके कुछ खाऊँगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो and share it, signing off, we all are barbros and we rise by lifting others.